हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है। यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ आधी चम्मच। हींग का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। नमक डाल लिया स्वाद अनुसार और हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए। मिर्ची डालूँगी मैं 2 चम्मच लाल वाली। जीरा डाल रही हूँ और अब हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथों से ही क्रश करके डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। मोयन के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँथ लेंगे। ध्यान रहे इसका डो ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। हमें मीडियम डो लगा करके रखना है जिससे कि हमारा नाश्ता एकदम कुरकुरा बने। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो हमारा डो लग करके तैयार हो गया है। अब हम इसे तख्ते पर छोटी छोटी लोइयां बना करके बेल लेंगे। ना ज़्यादा हमें पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, इसे हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हो रोटी से मोटा है, हमारी 3 रोटियों के बराबर मोटा है। अब हमें इन्हें कटोरी या फिर कुकी कटर, आप जो आकार में काटना चाहते हो आप उस आकार में इसे काट सकते हो। मैंने यहाँ कटोरी ली है, मैं कटोरियों से इसे गोल गोल आकार में काट लेती हूँ। आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप उस शेप पर काट सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सारी पूरियों को कट करके रख लिया है। अब इनके हम किनारों को हटा देते हैं और यहाँ पर फोक की मदद से मैं इनमें छेद कर लेती हूँ ताकि ये फूले नहीं। हमें इन्हें फूलने नहीं देना है। फूलेंगे तो सही पर कम फूलेंगे, फूलने से फिर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमें अच्छा क्रिस्पी बनाना है। और एक लोई ली है मैंने, इसे भी मैं बेल लेती हूँ और इसका भी हमें अब दूसरे शेप में बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये भी बेल करके रेडी कर ली है। आप इन्हें कोई भी आकार दे सकते हो। इसे भी हमने बेल करके रेडी कर लिया। अब इसे भी चाकू की मदद से हम इसे चौकोना आकार में काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप सुबह की चाय के साथ या नाश्ते में किसी भी रूप में इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया है और जो इक्वल शेप थे उन्हें हमने इकट्ठे करके रख लिए हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक करके सारे पीसेस हम तेल में डाल देंगे और इन्हें अच्छा क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। आंच को हम ना ज़्यादा तेज रखेंगे और ना ही ज़्यादा लो, हमें इसे मीडियम आंच पर ही पकाना है। ये पक कर के रेडी हो गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यह हमारी 2 तरह की मटरियाँ तैयार हो गई है। इन्हें आप मटरी बोल सकते हो, आपका जो मन पड़े आप उस नाम से बोल सकते हो। आप किस नाम से जानते हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मटरी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इन्हें भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के चित्र को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली है मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे अब दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।